ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दो भारत हो गए हैं, ग्रामीण और शहरी नाम के? कि शहर की तरफ तो सारी सरकारें ध्यान देती हैं, लेकिन गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में और देश में, ये गांव के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के लिए कुछ कुछ नहीं हुआ। किसान अन्नदाता है और पूरी अर्थव्यवस्था इस प्रदेश और देश के किसानों पर टिकी हुई है, लेकिन किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा जो बजट आया है, इससे पहले जो पिछले साल का बजट था उसमें से जितनी योजनाएं कृषि के लिए थी, अधिकांश योजनाओं का पैसा खर्च ही नहीं हुआ, वो अभी भी उसमें बचा पड़ा है। तो किसानों के लिए कोई योजनाएं जो देते भी हैं उसको शुरू नहीं करते, किसानों की कहते हैं दोगुनी आय हम करेंगे ये कह कर के वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन किसानों के लिए धरातल पर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं बीजेपी वाले। से बात करेंगे अभी, गांव में क्या मौजूदा स्थिति क्या है गांव की, और पहले क्या थी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में जो पहले स्थिति थी और अब में बहुत अंतर है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, यानी कि हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समाज, हर संस्कृति, सबका विकास करने का हमारी पार्टी का ये नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। दूसरा नारा था हमारा, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इन दोनों नारों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। पहले से किसान, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सभी खुशहाल हैं और हर प्रकार से अपनी फसल को आगे बढ़ाने में, उसको उपज को बढ़ाने में आगे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। से पूछिए एक भी काम बता दें कि एक साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक काम भी किया हो, एक भी काम प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार ने करने का काम नहीं किया। जो वादे किए थे चुनाव से पहले कहा गया कि किसानों के सारे कर्जे हम माफ कर देंगे, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ किसान थे जिन्होंने कर्जे से जो परेशान थे उन्होंने को वोट दे दिया कि हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद कहा था, पहले कहा था कि मीटिंग पहले कैबिनेट की होगी, सब कर्जे हम माफ कर देंगे। उसके बाद कहा माफ करेंगे 1 लाख रुपया। उसके बाद जरा मालूम करिए, सिर्फ खाली जो है जुमलेबाजी, कहीं कोई कर्जा माफ होने काम नहीं हुआ। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे, जनता बहुत खुश हो गई। हमको भी लगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतनी गर्ज के कह रहे हैं, बात सही होगी कि 56 इंच का चीना है और हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अगर रोजगार दिया होता तो आज देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। कि बात तो ODF की करते हैं और जब जाकर ग्राउंड पर चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं है, सब कागजों में है, लफाजी है। तीसरी एक सबसे खास और अहम बात इस सरकार की यह है कि जो भी कहा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने की सियासत है, बस लोगों को एक दूसरे में नफरत पैदा करने की सियासत है, एक दूसरे के मोहब्बत को बांटने की और काटने की सियासत है। इनको एक ईंट से मतलब नहीं है, लगभग 11-10 महीने की इनकी सरकार हो चुकी है। और एक और बात, अगर आप ये देखिए कि प्रधान जी एक लफ्ज है, एक प्रधान बनने के बाद उस प्रधान का मकसद गांव के एक मुखिया की हैसियत में हो जाता है। अब उस मुखिया का ही कंडीशन ये देख लीजिए, किससे कहे अपने दिल की बात, किससे अपनी बात रखे, कहाँ सड़कों की बात करे, कहाँ नाले की बात करे, कहाँ जो है लैट्रिन टॉयलेट की बात करे, कोई मतलब किसी तरीके का इस सरकार का नहीं है। पूरी तरीके से फेल, सुपर फेल ये सरकार है, जनता समझ चुकी है, जनता इनके झूठे लफाजी बयानबाजी जुमलेबाजों का जवाब देगी और जवाब देने का मतलब इंशाल्लाह 2019 में भी सामने आएगा और जनता सम्मान चाहती है। तो लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह है, लोग जानते हैं कि अब हमारा विकास, संपूर्ण विकास होगा, चाहे कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के दोगुनी आय करने के लिए जो प्रयास किया है, जैसे ही सरकार बनी सारी चीज़ें आपके सामने पारदर्शी हैं, क्योंकि चाहे बिजली का हो और चाहे उज्ज्वला योजना को, चाहे जनधन बीमा योजना को, जो सारे कार्य लोक हित में, जनहित में, जनता के द्वारा ही जनता के लिए बनाए गए, इस सरकार ने जो कार्य किए जनता के हित में है, ऐसा कोई भी आप एक भी बिंदु लें
तो उस बिंदु को ये देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल्याणकारी योजनाएं समाहित हुई हैं और सबको ये लाभ मिल रहा है, मेरा ये मानना है।